fantastic. It is mind blowing. It is one of the best work of Bollywood, like in the recent times. Yeah. कि सिंहगढ़ को हमने वापस कैसे लिया था, तो सिंहगढ़ नाम कैसे पढ़ा गया, ये हमने स्कूल में पढ़ा है, बट काफ़ी छोटा, यू नो देर इज़ नॉट अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट इट, बट दिस मूवी गिव्स अ फुल स्केप अबाउट कि कैसे वो हुआ है, क्या हमने एक मुहिम चलाई थी उसके लिए. बट इट्स लाइक ओवरऑल डायरेक्शन से लेके परफॉर्मेंस से VFX एवरीथिंग इज़ लाइक टॉप नॉच. अजय देवगन तो क्लास ही है, बट आई वॉज वेरी सरप्राइज बाई सैफ अली खान. ही इज़ मतलब जैसे वो खिलजी का पागलपन थी हमने देखा था रणवीर सिंह का, वैसे ही था, बट इट्स अमेजिंग. VFX एंड एक्शन, मतलब एक्शन ऐसा इलॉजिकल नहीं था, मतलब नॉर्मली ऐसा कुछ इलॉजिकल चीज़ें होते हैं, ग्रेविटी डिफाइंग होता है, वैसा नहीं था. इट्स लाइक हर चीज़ लॉजिकली चल रहा था. पैसे का तो कमाने, बट आई डोंट नो हाउ मच मनी इट विल अर्न, बट क्रेडिबिलिटी दिस मूवी को सालों के लिए रहेगी. 5 star. The movie is out of this world. I mean to say, ऐसे movies बननी चाहिए. हम क्यों साउथ इंडिया में, देखो इंडिया तो इंडिया है एज अ कंट्री, चाहे कोई मूवी साउथ से आए, नॉर्थ से आए, ईस्ट से आए, वेस्ट से आए, वी हैव टू बी एंटरटेन्ड. इफ वी आर एंटरटेन इन द हॉल, वी लव द मूवी. बाहुबली की 3-4 सालों से बात हो रही है, क्यों, वाई, वेयर वर वी, कहाँ थे हम. अजय देवगन जिनके घर से एक्शन निकलती है वीरू देवगन के साथ, आई थिंक नो बडी कुड हैव डन बेटर देन अजय देवगन. इफ यू आर लिसनिंग टू मी अजय देवगन, आई हैव सीन योर मूवीज, बट दिस मूवी मेड मी योर फैन. डायलॉग्स बहुत पेपर, यू नो जो पेपर पे डायलॉग्स लिखे जाते हैं उनको रीड करते हैं, पहले रीड करके डिलीवर करते हैं, तो पेपर पे बहुत डिसेंट है, बट जब वो डिलीवर होते हैं कैमरा के सामने और ऑडियंस के सामने सुनाई देते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं. लेडीज एंड जेंटलमैन, देखिए पुस्तकों में किताबों में हमने पढ़ा है कि तानाजी का एक छोटा सा पैराग्राफ दिया गया था, कैसे वो ब्रेव मावल मराठा थे. अब जाके वो जो एक पैराग्राफ है वो 2-2.5 घंटे में कन्वर्ट होके एक बड़ा विजुअल आ चुका है हिंदुस्तान में, तानाजी मालुसरे. देखो रा 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 इज वन ऑफ द फाइनेस्ट थिंग्स. अभी सॉन्ग तो मैं नहीं गा सकता, सुरेश वाड़ेकर से मैंने ट्रेनिंग नहीं ली है, ना ही सोनू निगम से ली है, पर BGM ऑफ दिस मूवी इज फिनोमिनल. एक सेकंड के लिए लेट मी टेल यू, मैंने पूरे जिंदगी में ऐसा फील नहीं किया है. एक सेकंड के लिए मुझे ऐसा लगा कि अजय देवगन ने जस्ट कम आउट ऑफ द स्क्रीन, ही इज क्रैश द स्क्रीन, वो बाहर आ चुके हैं, इतना कमाल. बेस्ट पार्ट, बहुत सारे बेस्ट पार्ट्स हैं, फ्रॉम A to Z, जैसे मैंने कहा, हर एक अल्फाबेट एक्शन का परफेक्ट जा चुका है. अजय देवगन हैज जस्ट क्रैश द स्क्रीन. ऑल राइट, अजय देवगन इज गोना रोड फॉर 300 crore दिस टाइम. आई एम नॉट अ फैन ऑफ अजय देवगन. आई सॉ इट फॉर द फर्स्ट टाइम एंड आई बिकेम अ फैन. अमेजिंग मूवी, सुपर्ब मूवी, मीन्स पैसा वसूल मूवी. आई विल रैंक ऑल 3 एट द टॉप, तानाजी, सैफ अली खान, काजोल, अजय देवगन, ऑल 3 वर फैबुलस. सुपर्ब डायरेक्शन, सुपर्ब स्क्रिप्ट और डायलॉग बहुत अच्छे लिखे गए हैं. इट्स मीन्स इमोशनली यू आर एंगेज थ्रू आउट द फिल्म. ऑफकोर्स 4.5. बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, बहुत एंटरटेनिंग थी और बहुत 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 ही बढ़िया काम था. सैफ अली खान का बहुत अच्छा काम था. नहीं, बहुत बहुत अच्छी थी और हर एक सीन बहुत एंटरटेनिंग था और 3D की वजह से और भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था. अच्छे थे, काफ़ी अच्छे थे. हाँ, आउट 5 out of 5. इट इज़ वर्थ वॉचिंग, 4.5 stars. बहुत मज़ा आया मूवी में. सैफ अली खान का नेगेटिव रोल बहुत खा रहा है मूवी को, मतलब इट इज़ लाइक टोटली वन साइड मूवी हो रहा है सैफ अली खान के वजह से. उनका एक्ट बहुत, भले वो हार जाते हैं बट स्टिल अगर कोई पूछता है कि मूवी में सबसे बेस्ट एक्टिंग किसने की, तो आई वुड गो फॉर सैफ अली खान. काजोल और अजय देवगन के बारे में क्या बताना चाहेंगे, उनकी परफॉर्मेंस कैसी? उनका स्क्रीन प्ले अगर आप पूछोगे ना, तो लास्ट जो गाना रहता है उनमें उनका पूरा स्क्रीन प्ले मालूम पड़ जाता है. छोटे छोटे पार्ट्स है
अच्छा है, क्यूट रोमांटिक लगता है, बट लास्ट गाने में ऐसा लगता है कि बार बार देखा जाए करके, दो से तीन बार देखो तो भी काफ़ी नहीं है। सॉन्ग्स शिवराय जो सॉन्ग है, और लास्ट सॉन्ग वापस बोलूँगा, लास्ट सॉन्ग भी बहुत अच्छा था, और जो शिवराय है जब भी कोंडाना पे जाता है डांस के लिए तभी वो मूवी वो सॉन्ग भी बहुत अच्छा है। एंड डायलॉग्स में दो डायलॉग है, एक तो जो ट्रेलर में आता है कि दो बार भगवा होता है करके, एंड दूसरा डायलॉग है कि राइट हैंड आगे करके सीना पीछे रहना चाहिए करके, लेट मी रिकलेक्ट वन सेकंड क्या था। हाँ, कभी भी दुश्मन जो वार करते थे भी हम अपना पहला बायना हाथ आगे करते ना कि अपना सीना, तो वैसे ही मुझे आगे जाने दीजिए एंड समथिंग लाइक दैट, वैसा कुछ तो था, बट बहुत कैची डायलॉग है वो। 4.5 stars, बहुत अच्छी लगी। आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट मूवीज आई हैव सीन रिसेंटली, और मूवी देख के बिल्कुल रोंगटे खड़े हो गए। इतना मतलब हमारा महाराष्ट्रियन कल्चर इतना रिच है और वैल्यू सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है, वो दिखाया गया है उस टाइम के वॉरियर्स, वो ईरा को बहुत अच्छे से डिपिक्ट किया गया है। स्टोरी की जो डायरेक्शन है वो कितनी पसंद है? स्टोरी बहुत अच्छी है और डायरेक्शन भी बहुत अच्छा है, स्पेशली द एक्शन सीन्स हैव बीन शॉट रियली वेल, और जो अजय देवगन का रोल है या सैफ अली खान, बहुत ही वेल एज्ड कैरेक्टर्स है, बहुत ही वेल क्राफ्टेड रोल्स हैं, और कहीं भी ड्रैग नहीं किया मूवी को। पीरियड ड्रामा मूवीज़ को बहुत ड्रैग कर देते हैं, तो 2 घंटे 10 मिनट की मूवी है, कहीं भी ड्रैग नहीं किया, आप इन्जॉय करेंगे, इन द एंड यू विल गेट गूज़बम्प्स, बहुत ही इमोशनल सीन्स हैं। सो वही है कि मतलब मूवी ओवरऑल बहुत अच्छा पैकेज है, म्यूज़िक बहुत अच्छा है, एक शंकरा गाना है उसको बहुत अच्छे से लार्ज कैनवस पे शूट किया गया है, सो म्यूज़िक हो, सिनेमेटोग्राफी हो, एक्शन सीन्स हो, एवरीथिंग इज़ वेरी गुड। अजय देवगन को तो है ही, अजय देवगन और काजोल दोनों की केमिस्ट्री भी बहुत उभर के आई इतने सालों के बाद, और मुझे सैफ अली खान का किरदार बहुत अच्छा लगा, उदय भान का, आई थिंक ही जस्ट स्टैंड्स आउट, उन्होंने दिखा दिया कि वो कितने वाइड रेंज ऑफ रोल्स कर सकते हैं, और ये भी एक बहुत डिफरेंट टाइप का उन्होंने रोल किया। सबसे अच्छा वही जैसे मैंने कहा, एक्शन सीन्स बहुत अच्छे हैं और मूवी की सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी है, और ऐसी मूवीज़ में डायरेक्टर का विजन पता चलता है कि कहीं भी यू नो उन्होंने मूवी को ऐसे नहीं किया कि लोग बोर हो जाएं, डायलॉग्स बहुत अच्छे हैं, सो बहुत ही ग्रिपिंग मूवी लगी मुझे। हाँ, डायलॉग्स मुझे आते हैं, बट शंकरा गाना मुझे बहुत अच्छा लगा, और ओवरऑल आई थिंक इट्स अ गुड पैकेज, पीपल शुड गो एंड वॉच इट। 3.5। बहुत खतरनाक, जय भवानी जय शिवाजी, बहुत खतरनाक मूवी। हाँ, डायरेक्शन पसंद आया, क्या नहीं, सब कुछ पसंद आया मुझे इस फिल्म का। सबसे पहले अजय देवगन जी के बारे में बात करूँगा, मतलब वो तो परफॉर्मर है, बहुत अच्छा एक्टर है, उसके साथ उनकी आँखें आपको बहुत कुछ कह जाती है, बहुत कुछ बताती है, तो वो मतलब फिट है एकदम उस रोल में, मतलब एक्शन, एक निडर, एक उत्साही, एक आक्रामक जो योद्धा था वो ओम राउत जी ने बखूबी उनको निभाया है इस फिल्म में। डायलॉग्स सबसे बढ़िया है, डायलॉग्स मुझे डायलॉग्स बहुत पसंद आए, मतलब सबको डायलॉग है, मतलब जो लीड कैरेक्टर है उनको नहीं, बाकी के भी जो को स्टार्स है उनको भी बढ़िया बढ़िया डायलॉग दिए, तो मुझे बहुत पसंद आ गए। सबसे पहला डायलॉग अजय देवगन जी का मैं एक बताऊंगा कि जब सैफ अली खान कहते तू तो पागल है, तो बोलते हाँ मैं पागल हूँ, स्वराज का, छत्रपति शिवाजी राजे का और इस मातृभूमि का। सबसे ज़्यादा मुझे पसंद आया घमंड कर युद्ध कर, घमंड कर युद्ध कर, तांडसा युद्ध कर भयंकर, यस गाया ना भी, युद्ध कर भयंकर, तांडसा युद्ध कर भयंकर जी, दे रही है पूरी पूरी दे रही, पूरे फायदे दूंगा। वेलकम Tanaji was good. It's a one-time watch for me. Action was really good, so one must watch actually for action in Saif Ali Khan. He is amazing in the movie. सबको performance कितने पसंद आया आप? मुझे Saif Ali Khan, Saif Ali Khan. मुझे उनका negative role was very good, very good. Songs और dialogues की बात करें तो क्या पसंद आया आपको? Songs इतने नहीं हैं अच्छे, but yeah, dialogues and all is good. So I think the second half of the movie is better than the first half. First half में ऐसे ही मतलब जितने ऐसे movies दिखाए गए हैं सब same ही है कि हाँ एक there is a Mughal and there is Maratha, तो दोनों के बीच में fight होती है, फिर I would not give the whole storyline, but it's similar that we have seen पहले भी movies में,
बट दिस इज ओनली फॉर एक्शन एंड सैफ अली खान आई वुड रिकमेंड और 3D में देखें ये मूवी इट्स बेटर. फर्स्ट हाफ में मुझे इतना पर्सनली ग्रिपिंग नहीं लगा बट सेकेंड हाफ वॉज बेटर. जब एक्शन स्टार्ट होता है तभी पूरा यू नो द होल क्रिएशन एवरीबडी वॉज शाउटिंग ऑल्सो इन द थिएटर एंड जय मराठा एंड यू नो हर हर महादेव सो ऑल दैट इज देयर. दे कीप द ग्रिपिंग पार्ट टू द सेकेंड हाफ वेयर द एक्शन सीन इज देयर दैट्स बेटर. छपाक और आई थिंक तानाजी को कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि दोनों ही डिफरेंट स्टोरी लाइन है. वन इज़ रियल लाइफ इंसिडेंट और ये भी रियल लाइफ है बट दिस इज़ हिस्ट्री. सो आई थिंक दोनों ही अच्छे रहेंगे. आई वुड एक्चुअली वॉन्ट टू वॉच छपाक ऑल्सो बट दैट विल बी द नेक्स्ट मूवी टू वॉच. आई वुड गिव 3. तानाजी मूवी मुझे ऐसी लगी कि भगवा जिनके खून में बस जाए उन्हें जान की परवाह कभी नहीं होती. बहुत गजब. जय शिवाजी महाराज. मतलब गजब का काम किया है सभी ने. पिक्चर ब्लॉकबस्टर होगी ये. मतलब सबके रिकॉर्ड तोड़ेगी. छपाक का नाम मेरे आगे मत लीजिए मैडम. मैं रिक्वेस्ट करता हूँ. मैं उन लोगों की पिक्चर देखना चाहता हूँ जो देश को आगे बढ़ाएं, जो देशद्रोहियों के साथ खड़े हो. मैं उनकी पिक्चर नहीं देखना चाहता. ये फिल्म छपाक, इसमें जो बेचारी लक्ष्मी अग्रवाल है उस पर जो तेजाब फेंकने वाला जो बंदा था वो नदीम खान था और उसको हिंदू राजेश दिखाया गया. राजेश शर्मा तो बेचारा म्यूज़िक बना रहा है मुंबई में बैठ के. ये ऐसा कभी भी नहीं हो सकता. तो ये गलत दिखाया गया है. तो मैं छपाक को बायकॉट करता हूँ. छपाक का जिक्र मत कीजिए मेरे आगे. ताना जी 5/5. मूवी बहुत अच्छी लगी है और मेघना गुलजार ने जो भी कॉन्सेप्ट उठाया बहुत अच्छा उठाया और बहुत अच्छा लगा. मगर जो ये हमारे देश में इतना होता कि एक्सिट जो अटैक है ये बहुत गलत चीज़ है. मतलब इतने सारे अटैक होते हैं इतने साल में तो गलत चीज़ है. और ज़रूरी नहीं कि अगर आपसे कोई शादी ना करे या तो अटैक करो क्या है. बाकी जो कॉन्सेप्ट उठाया है बहुत अच्छा उठाया है और दीपिका पादुकोण जी ने जो भी किया है काम बहुत अच्छा किया उन्होंने. बहुत अच्छा उन्होंने मतलब सीरियस बहुत अच्छा किया उन्होंने जी. अब उससे विषम तो नहीं कुछ बोल सकता हूँ मगर जो कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छा है. मूवी बहुत अच्छी लगी. देखना चाहिए हमारे हिसाब से मूवी 5. पिक्चर बहुत अच्छी लगी. मेघना गुलजार का डायरेक्शन बहुत अच्छा है. दीपिका पादुकोण की एक्टिंग बहुत ही काबिल एतहाद है. देखिए इसमें हम तो एक आम नागरिक है और हम तो पिक्चर देखना आए हैं. इसके बारे में कुछ बोल नहीं सकता हूँ. क्यों क्रिटिसाइज हो रहा है क्यों क्या हो रहा है वो मेरे को मालूम भी नहीं है. ये देखिए संवेदनशील पिक्चर है. एसिड अटैक के ऊपर है कि बच्चियों के ऊपर एसिड फेंका जाता है और उसकी ज़िंदगी एकदम बर्बाद हो जाती है और उसके लिए सरकार को क्या करना चाहिए वो मुद्दा उठाया है और अच्छी तरह से मुद्दे को पेश किया गया है. आउट ऑफ 5 स्टार द स्टार कम्स टू 3 ओनली. पहले तो ये लग रहा था कि छपक क्यों टाइटल है लाइक एसिड अटैक पे तो व्हाई छपक. देन वी गॉट टू नो द साउंड ऑफ दैट एसिड थ्रोइंग इज छपक. सो द मूवी इज छपक. नाम बहुत इनक्रेडिबल है. मेघना गुलजार डिड अ वेरी गुड जॉब. दीपिका पादुकोण वाज फैबुलस. मतलब एंड दिस लास्ट सीन हिला के रख देगा. वी ऑल क्राइड. सबसे बेस्ट पार्ट कौन सी मूवी? The last scene was like horrible. Can you imagine that you are in a bridal makeup and something like that happens to you? She's not asking the best scene. That's the worst scene, Pavel. Best scene was the reporter who married that girl. That was the best scene for me. Okay. Is Chapak song? Wo kitna pasand aaya? Wo masta. Masta. Wo that feel wala song tha. Energetic and feel wala song tha wo. क्योंकि पहले तो एसिड बैन होनी चाहिए और फिर जो एसिड दिमाग में है ना थ्रो दैट आउट फर्स्ट. ये तो होनी चाहिए. 252 एसिड अटैक इन अ ईयर. Horrible thing. We should throw that out. A message पहुँचना ही चाहिए. Okay, आज ही के दिन तानाजी भी रिलीज हुई है. सो उसके टक्कर में छपाक कितना परफॉर्म कर पाएगी बॉक्स ऑफिस? अब तक तानाजी देखी नहीं है इसलिए कुछ बोल नहीं सकते. हाँ.
दोनों अपने अपने साइड पे अच्छे हैं। हाँ हाँ अपने अपने जगह पे दोनों मूवी अच्छे। व्हाट अ फाइव स्टार कितने दोगे आप फॉर छपक? या 5 out of 5 या 5 stars। बहुत अच्छी मूवी है। दीपिका पादुकोण को जब मैंने देखा तो लगा कि मुझे मालती अग्रवाल को देख रहा हूँ। बहुत अच्छी एक्टिंग की है दीपिका जी ने, खासकर के फिल्म जो मेघना जी ने फिल्म बनाई बहुत माइंड ब्लोइंग, और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस मूवी को एक बार जरूर देखें। बिल्कुल, इस पिक्चर को खास करके हम जैसे यंग लड़कों को देखना चाहिए और किसी भी माँ बहन के साथ इस तरह से खिलवाड़ ना करें, और मैं इस पर एग्री हूँ कि बिल्कुल इंडिया में एसेट पर बैंड ना करना चाहिए। मैं बिल्कुल, पॉलिटिक्स अलग है और हम लोगों का इंटरटेन अलग है, तो मैं इसमें दोनों का मिक्सअप नहीं करना चाहता हूँ और इंटरटेन के लिए मूवी देखनी चाहिए। और आज के दिन ताना जी भी रिलीज हुई है, सो इसके टक्कर में छपाक कितना चल पाएगी? तो इसके बाद मैं ताना जी भी देखूंगा, और दोनों अच्छी पिक्चर है, तो मैं ये पिक्चर देखा हूँ, जब वो देखूंगा तो उसके बारे में बताऊँगा। दीपिका जी का बस सबसे बेस्ट मूवी में ये लगा कि वो इतने प्रॉब्लम होने के बाद भी वो हार नहीं मानी और उसके अगेंस्ट में लड़ती रही और लास्ट में वो जीती। ओके, 3.5। थैंक यू। ब्रिलियंट, आई वुड से ब्रिलियंट मूवी, एवरीबडी शुड गो एंड वॉच, एंड टिश्यू पेपर्स लेके जाना, बिकॉज इवन द मोस्ट क्या बोलो इनसेंसिटिव पीपल विल फील इट। यू माइट नॉट क्राई बट यू विल फील दैट इमोशन इन योर थ्रोट व्हेन योर थ्रोट गेट्स चोक्ड विद इमोशंस, पूरा आपको थिक लगेगा। एंड आई थिंक इट्स वेरी वेरी वेल डायरेक्टेड, वेरी रिलेटेबल, एंड आई हैव बीन बॉर्न एंड रेज्ड इन दिल्ली, सो व्हेन दिल्ली के पार्ट्स दिखाई कि एक नॉर्मल लड़की घर से निकल के जा रही है, शॉप कर रही है, समबडी जस्ट ऐसे उसको करते हैं, वो मुड़ के देखती है उसके मुंह पे एसिड, सो इट वाज लाइक व्हाट डू आई से, इट टुक अ लिटिल टाइम टू सिंक इन कि यार ये किसी के साथ भी हो सकता है, आप ये मत सोचिए कि आपके साथ नहीं हो सकता। ओ माई गॉड, दीपिका इज़ ब्रिलियंट, मतलब यू विल नॉट फील कि यार ये कोई स्टार है जिसने शाहरुख खान और इन सब के साथ काम किया है, यू फील कि आपकी कोई फ्रेंड एक्ट कर रही है वहाँ जाके, मतलब बहुत रिलेटेबल था बहुत। मुझे एक पार्ट ये लगा कि शी डजंट गिव अप, शी इज देर इज़ वन, आई डोंट वॉन्ट टू गिव आउट स्पॉयलर्स, बट देर इज़ वन सीन इन विच शी क्राइज एंड क्राइज एंड क्राइज, एंड जो उसकी लॉयर होती है वो बोलती है तुम रो रही हो, जिसने तुम पे एसिड फेंका उसकी शादी फिक्स हो गई है, उसको बेल हो गया, फिर 3-4 साल बाद डेटा कि वो फिर से बेल हो गया, तो द पॉइंट इज दैट वो दिखा रही कि वो तो नॉर्मल लाइफ जी रहा है, तुम यहाँ बैठ के रो रही हो, तो इट्स नॉट ओनली द एसिड अटैक सर्वाइवर्स बट द पीपल हु पिक यू अप ऐसे टाइम पे दैट। एंड देन देर इज़ वन मोर सीन विच आई लाइक्ड, when she gets ready, tries to get ready for I think going out, and she takes out all her earrings, jaise ladkiyon ko sajne savarne ka shauk hota hai, and she keeps it here and she's like, and fir wo fenk deti hai, to uski mom bolti kyun fenk rahi ho, kehti mere paas to kaan hi nahi to main pehnu kahan, so that is one of the most hard hitting scenes I think ki as girls we love to dress up and usko wo bhi ab nahi mila. सबसे बड़ा मैसेज कि नेवर गिव अप होप, फाइट फॉर व्हाट यू बिलीव इन, एंड एज पीपल ऑफ इंडिया और एनी अदर कंट्री अगर आपको लगता है कि कुछ गलत हुआ है, आई थिंक वी शुड स्टैंड अप। इट इज़ वेरी सैड, लास्ट सीन जो था उसमें भी दिखाया गया कि अभी लास्ट अटैक दिसंबर में हुआ है, 7 से ज़्यादा ईयर्स हो गए और अभी भी एसिड बिक रहा है। एंड एक और चीज़ उसमें बताया कि एसिड इज़ चीपर देन कोल्ड ड्रिंक, आप सोचो 40-50 की जो कोक की बॉटल आती है और एसिड उसमें दिखाया कि 30 रुपये, तो वन ऑफ द एनजीओ गाइस ऐसे ही जाते पता कर रहे हैं और उनको बोलते हैं ये लो 30 रुपये, देखता है कि अभी बिक रहा है नहीं। सो इट इज़ वेरी सैड कि इतना प्रोटेस्ट करने के बाद भी अभी कुछ नहीं हुआ। आई वुड से दैट इज़ रिडिक्यूलस, पहले एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट मुझे लगा कि ऑल द स्टार्स दे गो देयर फॉर प्रमोशन कि चलो हमारी मूवी प्रमोट हो जाएगी, बट ऑल द मोर शी इज़ अ प्रोड्यूसर, शी हैज़ हायर स्टेक्स ऑफ लूजिंग मनी, बट इन स्पाइट ऑफ दैट दिल्ली में वो गई एंड उन्होंने प्रोटेस्ट किया, सो मैड रिस्पेक्ट फॉर दीपिका पादुकोण, आई विल गिव 4.5। थैंक यू। छपाक से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, जानने को मिला, मेरी अवेयरनेस थोड़ी और बढ़ गई है, जो मेरी पहले सिंपथी थी एसिड अटैक वालों से, अब आई एम प्राउड कि देर आर सच पीपल हु टेक अ स्टैंड एंड हमें इंस्पायर करते हैं कि मतलब टू बी ऑनेस्ट, मतलब मुंबई में आके जो लोग एक्टर बनना चाहते हैं नहीं होता है, वो रो के डिप्रेशन में कुछ ना कुछ कर लेते हैं, उनकी पहचान जा चुकी है फिर भी वो लड़ते हैं। तो लक्ष्मी एज अ पर्सन मोर देन द फिल्म, शी एज अ पर्सन इज गिविंग अस अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, शी इज़ अ रियल हीरो। उन्होंने एग्जैक्टली एनैक्ट किया, उन्हें कहीं कहीं सीन्स पर तो ऐसे लग रही थी मानो शी इज़ मालती,
मतलब उन्होंने उनके चलने का ढंग, बात करने का, स्माइल का, जिस तरह से वो ऐसे मुस्कुराती हैं सर नीचे करके, आई कुड रियली फील एज इफ शी इज़ कम्प्लीटली एनएक्टिंग हर सोल. सो दैट वॉज वन गुड पार्ट. शी इज़ एन अमेजिंग एंड ग्रेट एक्ट्रेस दैट वी नो. लेकिन सब ने अच्छा काम किया एंड इट्स अ कम्प्लीट ग्रुप वर्क विच इज़ कम आउट. बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ये वर्ड ऑफ माउथ पे बहुत चलने वाली है. आई एम ग्लैड कि इसके अगेंस्ट कोई ऐसी तामझाम वाली फिल्म नहीं आई है एंड इट्स गेटिंग इट्स ओन स्पेस. इवन मतलब ये दोनों टक्कर के मतलब है ही नहीं, मतलब ये अलग ही जोन है. ये आपको अवेयरनेस देती है, तानाजी आपको एक हिस्ट्री बताती है. इट्स मोर लाइक अ सिविक एंड दैट इज़ हिस्ट्री. सो दैट्स टू डिफरेंट प्रोजेक्ट्स. दोनों के अलग अलग ऑडियंस होंगे लेकिन पीपल हु वांट टू अंडरस्टैंड कि क्यों होता है, क्या होता है, कैसे रहा, हु आर मोस्ट सिंपैथेटिक टुवर्ड्स दिस आइडिया, दे वुड कम एंड वॉच दिस फिल्म. जब से दीपिका जेएनयू से आई है, सो इस मूवी को बॉयकॉट किया जा रहा है, दीपिका को बॉयकॉट किया जा रहा है, सो इस पर आपका व्यू? इट्स अ डेमोक्रेटिक कंट्री, बॉयकॉट करना ही नहीं चाहिए उनको. वो जहाँ चाहे जैसी चाहे वो जा सकती हैं, वो हमारे देश की नागरिक है और उनको पूरा राइट है. आई थिंक अगर कोई बोलता है बॉयकॉट करने को, डोंट लिसन टू देम. हु मतलब ये तो इनडायरेक्टली इनह्यूमैनिटी हो जा रही है. सो आई थिंक जस्ट टू इग्नोर, पीसफुली इग्नोर, नॉट टू रिटालिएट. बोलने वाले बोलेंगे, बोलने दो. मे बी वो भी फ्रस्ट्रेटेड है, हमें उनका भी समझना चाहिए. लेट देम से. एंड दीपिका वेंट देयर, ओके चलो फिल्म प्रमोशन के लिए गई. अरे उसकी मर्जी है, वो जहाँ जाए जिस कारण के लिए भी जाओ, किसी को हानि तो नहीं कर रही है. सो आई थिंक दैट्स अ कम्प्लीट रॉन्ग थिंग टू डू. एंड टू मैंने कमेंट्स पढ़ी हैं कुछ, यू शुड नॉट टॉक टू अ वुमन लाइक दैट, दिस नॉट द वे यू ट्रीट अ वुमन. मतलब जो भी बोल रहे हैं ऐसे, ज़्यादातर लड़कों के मैसेजेस हैं. मैं उनको इतना बोलना चाहूँगा, यू बॉर्न फ्रॉम अ वुमन्स बॉडी, आप एक औरत के पेट से निकले हो, प्लीज़ लर्न टू रिस्पेक्ट अ वुमन. सो दैट्स व्हाट आई से. थैंक यू. व्हाट अ फाइव सेकंड्स. बहुत अच्छी लगी. या स्टोरी कितनी पसंद आई? बहुत अच्छी पसंद आई. आई थिंक इट्स अ वेरी गुड फिल्म एंड अ वेरी सेंसिटिव फिल्म. मेघना गुलजार की बहुत अच्छा. मेघना गुलजार इज अ वेरी गुड जॉब. Very nice. I think she's done a great job. She's a very good actor and she's done really well. Best part मुझे ये लगा that you know women standing for each other. जैसे जो मालती का court case इन्होंने लड़ा, उन्होंने give up नहीं किया. So you know I really liked how women were supporting each other throughout and they were fighting for each other. So that's what I like the most. मैं खुद student हूँ तो मैं तो आई सपोर्ट दीपिका. और एक एक्टर की वॉइस होनी चाहिए और दीपिका की वॉइस है विच इज़ ग्रेट. और जो बाकी के एक्टर्स हैं जो बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं, चुपचाप घर में बैठ के कॉफ़ी चाय पी रहे हैं, मैं उन्हें बोलूँगी वो भी जाए जे एन यू. हाँ, दैट इट्स अ फिल्म अबाउट ट्रायम्फ, कि आप लड़ते रहो अपनी लड़ाई और कभी गिव अप मत करो. फाइव.